हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका राज की दुनिया में। ओम साई राम, जय गुरु जी। तो आज आप सोच रहे होंगे ये प्राणी अपने अपनी जगह पे नहीं है, ये प्राणी कहीं और दिख रहा है। तो जी हाँ, ये प्राणी कहीं और है। अर्थ व्यू भी अच्छा दिख रहा है, ग्रीनरी। तो इस प्राणी के साथ आज है लड्डू। एंड लड्डू ने तो मुझे इतना सरप्राइज किया, इतना सरप्राइज किया कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। एज यू गाइज नो, बर्थडे वीक, फर्स्ट सरप्राइज फ्रॉम लाडो एंड हर्षित। एंड मैं कहाँ हूँ, ओ माई गॉड, न्यू हाउस में, ओनली फॉर वन डे। तो लाडो और हर्षित ने, दे हैव मेरा बर्थडे वीक स्पेशल करने के लिए दे हैव बुक रूम फॉर मी। सो ये हमारा स्टेकेशन है, मामा और बेटी का। लव यू माय बेबी। कुछ बताओगे क्या, व्हाट यू प्लान? तो था कि इनको, जैसे सबको पता है, शी लाइक्स लग्जरी, अपने घर को तो लग्जूरियस बनाती रहती है। तो मैंने इनको ये बोला कि यहाँ डस्टिंग का कपड़ा लेके शुरू <हुआ। laughs> तो हमने इनके लिए बुक करा है होटल, मतलब स्टेकेशन पे जाती रहती है, बट मैंने इनको स्पा वगैरह जाते हुए कम देखा है। तो आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे इनके लिए स्पा तो इस पैकेज में ऐड कराना है। सो वी हैव अ डे प्लान, अभी हम लंच जाएंगे, देन वी हैव अ स्पा अपॉइंटमेंट, देन वी हैव डिनर, एंड ऑफ कोर्स द होल प्रॉपर्टी और इनका हमने स्वीट में अपग्रेड करा दिया था। यहाँ से ट्राई कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ा सा लेजी हो रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग के। हाँ, एंड कल सुबह का, मतलब हम आज रात यहीं रुकने वाले हैं, राइट? यस, इट्स अ डेकेशन। इट्स अ वन नाइट स्टे। हाँ, वन नाइट स्टे तो होता है, हाँ, डेकेशन ही कहते हैं उसको। अच्छा, जो भी होता है। तो जी हाँ, व्लॉग मुझे घर से ही शुरू करना था, बट आज का डे बहुत ही हेवाय था। मेरे साथ ये लाइफ में होता है, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं कहीं ना कहीं ज़रूर अटकती हूँ। आज फर्स्ट टाइम लाइफ में, जब मुझे कभी नहीं हुआ कैब में सिकनेस, मैं वंशिका को हमेशा हंसती थी, तुझे क्या होता है कैब में बैठते। राघव को आई यूज़ टू लाफ, एंड देख लिए उम्र हो रही है, बूढ़ी हो रही है, मुझे लग रहा है। आज ऐसा लग रहा था कि मुझे कैब वाले भैया को बोलना पड़ेगा कि आप रोको, मुझे उल्टी होने को हो रही है। सम हाउ आई मैनेज। एंड आज का मेकअप बताइएगा कैसा लग रहा है, मैंने कैब में फर्स्ट टाइम मेकअप किया है आज। मतलब सब कुछ लाइफ में मैं सीख रही हूँ। आई यूज टू सी लोग करते कैसे, इवन आई समटाइम्स आई हर्ड लाडो भी करती है, बट मैंने आज कैब में मेकअप किया। एंड गाइस, ओ माय गॉड, मैं घर से सिर्फ ऐसे ही नहा धोकर निकल गई। तो चलिए, दिनचर्या के लिए बनाए रखूंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, ओम साई राम। आपको अपनी एक्साइटमेंट में तो बना के रखूंगी ना, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्वींस बॉर्न इन अप्रैल। बने रहिए। तो गाइस, अब हम आए हैं लंच के लिए। एंड आज हमारा लंच के, और क्या रेस्टोरेंट का नाम है इनके लंच के? कैफे जी। सी अगेन, कैफे जी, कैफे जी। ओके, यू कैन सी कैफे जी, इनका लंच एरिया है। आई डोंट नो, डिनर भी यहीं होगा, पता नहीं मुझे, मैं धीरे धीरे आपको अपडेट करती रहूँ। हम हैं क्राउन प्लाजा गुड़गांव। जो जो मुझे पसंद है वो सब है यहाँ गाइस। इट्स गुरुग्राम, इट्स नॉट गुड़गांव, इट्स गुरुग्राम। सो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है मुझे करेक्ट करना। सो अभी मैंने लोग आपको लिखेंगे ना कमेंट्स में, कमेंट्स में कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, गुरुग्राम। अभी मैंने वेजिटेबल्स खाए, सारे वेजिटेबल्स, सैलड खाया, दही भल्ला खाया है, देखिए यामी यामी। सारी डाइटिंग छोड़ गई मैं, सारी मैंने आज उसको बोले मैं सब डाइट छोड़ कर आई हूँ, वैसे ही मैं चबी हो रखी हूँ। अब मैं थूटने वाली हूँ मेरा फेवरेट थाई में। मैं थाई फूड, गाइस यू नो ना, मैं वेजिटेरियन होली हूँ, तो मैं सारा वेज अच्छे से चट करने वाली हूँ। मैं नाचो चाट भी खाने वाली हूँ, काटी रोल्स भी है। ये होता है जब आप डाइट करते हो। एनी वे, जितना मैं खा पाऊँगी उतना ही। लवली एमियंस, एंड बेटी के साथ है तो एक कोने में भी बैठ के खाना खा लूँगी, तो ये तो बहुत ही शाइन। तो चलिए लंच करके और फिर मिलते हैं। ये है हमारा दिल्ली ड्रिंक,
गाइस ये मॉकटेल है। मैं यार बैक से इधर आओ ना, यहाँ से चप्पल उतार के कर लूँ, मेरे तो पहले ही उतार लूँ। ठीक है, पीठ बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। रेडी, 1 2 वो देखोगे तो गाइस इतना ठूसा ना मैंने कि 10 दिन जम के मुझे डाइट करनी पड़ेगी। वैसे मैंने डाइट कम करा हुआ है गाइस, आजकल मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ अपने ऊपर, कम डाइट कर वॉक वगैरह कर रिड्यूस करने के लिए। अनदर सरप्राइज गाइस, इट्स टाइम फॉर तो लाडो को एक्चुअली अब मम्मा है उसकी, उसको सब पता है कि मम्मा को क्या पसंद है। एंड देखो इसका ड्रामा देखो, देख लो तो हाँ, हम आए स्पा के लिए और मस्त कॉफी स्मेल आयु छू तो मेरी सेकेंड विश तो नहीं है, उसको पता है मम्मा को क्या पसंद है, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर स्पा। एंड बस मैं तो बस रिलैक्स, और ये एक्चुअली मच नीडेड था, द स्पा इज मच नीडेड। तो गाइस बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मेरा लास्ट पास सिर्फ दुबई में ही हुआ होगा आई थिंक। मुझे इंडिया का स्पा का कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी है तो आप रेकमेंड कीजिए मुझे जगह, क्योंकि मुझे स्पा जाना बहुत पसंद है। बट मुझे यहाँ पर आई हैव हर्ड लॉट अबाउट इवन शंग्रीला भी, अब क्राउन का हाँ, बट मैं अब क्राउन का आपको डेफिनेटली फीडबैक दूंगी, क्राउन प्लाजा गुरुग्राम का कैसा है। बट आई हर्ड अबाउट तो मन तो मेरा है पहले एक डुब की पूल में लगा लूँ, अगेन आई एम जल रानी, आई टोल्ड यू ना कार्ड लगाओ। तो लेट्स सी, हमारा स्पा का अपॉइंटमेंट बुक है तो अभी हम पूल में नहीं जा पाएंगे। पूल की सैर आपको करा दूँ अभी दिखा दूँ हमारा पूल व्यू। एंड यस वी आर एट क्राउन प्लाजा गुरुग्राम। तो इवनिंग जंप इन होंगे हम यहाँ या कल सुबह में बिफोर ब्रेकफास्ट, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, हाउ थिंग्स विल वर्क। तो अभी अपॉइंटमेंट नहीं होता तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाती और मैं डुबकी लगाने वाली थी। तो चलिए बने रहिए बने रहिए। सो इट्स टाइम फॉर स्पा। यूजली आई डोंट नो वेदर दे अलाउ कैमरा इनसाइड और नॉट टू रिकॉर्ड, और आपके लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता, बट होता ही होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है देते, क्योंकि इनके बहुत पैक्ड अप है इनका स्पा, तो अपॉइंटमेंट में से हमारे टाइम कटता जा रहा है, तो आई क्विकली शो यू, हम अपनी क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ तो बस ये है यहाँ का स्पा विच लुक्स वेरी यमी एंड चेंजिंग है, और यहाँ पर इनका वो भी है क्या कहते हैं नहीं नहीं जगूजी गॉड, आज मुझे क्या हो गया, खुशी से मेरी जबान लड़खड़ा रही है। तो बस हम सब ट्राई करने वाले हैं एंड जी हाँ वी आर रेडी फॉर स्पा। हाँ बिट्टू, तो गाइस स्पा हो गया है एंड जैसे ही रूम में आए, सच अ लवली जेस्टर, उन्होंने हमारे लिए केक भी जो आया, वेलकम टू क्राउन प्लाजा टू गुरुग्राम गुरु आई डोंट नो ये कन्फ्यूजन मुझे नहीं चाहिए गुरुग्राम, तो स्वीट तो लवली मसाज, बॉडी मसाज हमारा था इंक्लूड इसमें स्पा में। एंड थोड़ी देर हम पूल साइड बैठकर माँ बेटी गॉसिप कर आए, वो तो मस्ट है ना तो बस वो किया। हमारे पास यहाँ भी टीवी है और अंदर भी टीवी है, ये हमारा लिविंग एरिया है, लिविंग रूम है, तो ये देखिए। तो हम बढ़िया सी चाय पीने का मूड है, लाडो क्या पिएगी पता नहीं,
चाय की कॉफी बिट्टी नथिंग मसाज हाउ वाज योर स्पा अरे मैडम ओ माय बच आई तो लव्ड इट हमारा फेस और हेड मसाज नहीं इंक्लूड था इस वाले स्पा में तो क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि राइट्स आपका मेकअप और बाल तो एकदम ऐसे से ही है तो आप क्या स्पा करा क्या यूजुअली हेड स्पा अलग होता है यहाँ पर हर चीज़ अलग अलग थी तो हमारा आज बॉडी स्पा इंक्लूड था तो मैं गाइस थोड़ा सा करेक्शन करूँगी मैंने लास्ट स्पा भी मैराकेश में किया था इससे पहले बहन मेरा ब्लॉग देखो मेरा गला दबा क्योंकि अभी तो मैं तेरा मैराकेश क्योंकि वो दैट ट्रिप वॉज स्पॉन्सर्ड मेरी सिस्टर ने मैंने कहा ना छोटी बहन होने का मतलब छोटे होने का फ़ायदा होता है तो बड़ी बहनें हर चीज़ स्पॉन्सर करती हैं तो अभी मैंने मैराकेश में स्पा किया था ये करेक्शन है एंड उधर उन्होंने हमारी सी लंबी लंबी चोटियां बनाई थी तो वो हेड टू टो था क्योंकि वहाँ का आई थिंक ट्रेडिशन दैट्स कॉल्ड हमाम और समथिंग ना हाँ पूरी बॉडी में नहलाते थे पूरी बॉडी एंड ऐसे उन्होंने हमारी लंबी सी चोटियां बना देंगी अगर आपने वो मेरा व्लॉग मेरा रील देखना है तो आप जाइए इंस्टा पर मैंने वो रील डाली थी टर्की में हमने हमाम कराया था लड्डू और मैंने और उस हमाम के बाद मैं सीवियर बीमार पड़ी थी 104 बुखार हो गया था मुझे क्योंकि मैं बहुत ठंड थी टर्की में गर्म पानी से और उन्होंने उड़ेल के मेरे ऊपर गर्म पानी डाला था एंड बहुत अच्छा था वो हमाम बट मेरी बॉडी थोड़ी डेलिकेट है कभी कभी गड़बड़ हो जाती अभी ये पूल में भी दो कदम रख के बाहर आ गई ठंडा पानी बहुत ठंडा पानी था मैं सुबह मॉर्निंग जाऊंगी पोस्ट ब्रेकफास्ट जब लेट्स सी जाऊंगी जरूर मैं जल परी हूँ क्योंकि तो मैडम बैठ गई हैं तो मम्मा लव्स यू यू नो मम्मा इज वेरी मच हैप्पी चलिए अब चाय पीती हूँ फिर मिलती हूँ तो गाइस आए हैं अब डिनर के लिए सो क्वीन इज रेडी ये वाला फूल ले जाना है जल्दी ऐसे ही कर लेती हूँ ये वाला फूल हाँ ये भी लग सकता है आज ये भी जाता है ना ये रूम में नहीं लगाना हाँ उठा के भी ले जाऊँगी हम आज आपको लुक दिखाना ही भूल गए आउटफिट चेक नहीं किया ना हमने भूख लग रही थी अब थोड़ा सा रूम में आए रिलैक्स किया चाय पी के खाया और आपको दिख भी था अगर रैट्स खा लिया मैंने मज़े से बाथटब बनाया और रिलैक्स किया लाडो ने कोई घटिया सी पिक्चर देखी मैं राज लगा के बैठी थी कहती बदल दे मेरे को डर लगता है टीवी में आती है तो ना लाइक दिस टाइम के होटल में भी एक्चुअली टीवी देखते हैं स्टार प्लस हाँ लाडो और मैं आई डोंट नो हम कभी अकेले गए हैं ऐसे आउटिंग के लिए सो आई ऑलवेज बी वेन सो वी ऑलवेज मैं मेरे ख्याल से हमारा फर्स्ट है नॉट इवन दुबई ऐसे सोलो डेट्स पे गए हैं बट स्टेकेशन कभी नहीं गए बट कॉफ़ी डिनर लंच कॉफ़ी डेट्स बात की तो मुझे मैं कह रही थी पापा भी साथ में नहीं है हम ऐसी पिक्चर्स नहीं देते तो टीवी के पास रखा तो टीवी चल गया देखा दैट्स व्हाई आई टोल्ड ऐसी पिक्चरें नहीं देखनी है हमारा बेडरूम का टीवी नहीं चल रहा था तो सेटअप बॉक्स भी चल रहा था और जैसे ही हमने उस फोन लगाया वो एनीवे गाइस लीव इट तो ऐसी रात रात को ऐसी बातें नहीं करते तो बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ मैं आफ्टर हर चीज़ के मतलब टच वुड थकान नहीं क्योंकि ब्रेक्स लिए हमने बाथरूम आप देखो व्हेन यू यूज कुछ भी कहीं भी एटलीस्ट यू शुड भी जो दूसरा बंदा जाए वो अभी तो मैं आके आऊँगी तब क्योंकि यू नो मम्मा इज विद यू ना मम्मा इज डूइंग इट फॉर यू जब आई नो मंच बट मैंने आपके लिए फ्लोर क्लीन करके आई मैं बस कि आप स्लिप नहीं करो गंदा बच्चा है गाइस मेरी नेचर में मैं इलेक्ट्रिक हाँ ठीक है ड्रायर दबाए रूम में जाके करूँगी गाइस मेरी प्रॉब्लम है मैं कहीं भी मैस छोड़ नहीं सकती सो दैट्स माय हैबिट मैं कहीं भी हूँ मैं मैस नहीं छोड़ सकती गोलगप्पे खाए हैं पापड़ी चाट खाई है चना चाट खाई है अब थोड़ा सा गुफ्तगू कर रही है मदर एंड डॉटर एंड देन आपके साथ रूम में जाके बात करते हैं बट आ
इतना डफने के बाद नहीं अपना खाना डाइजेस्ट कर रही है। तो जिया थक मांधे घर के लौट के बुद्धू होटल के रूम में आए। तो बिटिया ने पिला दी है ग्रीन टी। एक ग्रीन टी है जो मैं खुद नहीं बना सकती हूँ, तो घर में पति जी बनाते हैं और जो भी साथ में होता है वही बनाते हैं। तो नाइट फेस रूटीन हो चुका है, डे स्पेंड रियली वेल एंड लड्डू इधर है, कोजी हो गए हैं हम लोग। एंड लड्डू ने रात को आके बाथ टब लिया। यस दैट इज फन, दैट इज फन। और राज ने अभी क्या किया था बताना जरा मुल्तानी। गॉड एक्चुअली इसने मुझे बोला मम्मा मेरे पास फेस वॉश भी है, फेस पैक भी है। वो शायद सुनने में हुआ या आई डोंट नो, मैंने बस जिसके तो पढ़े लिखे गवार आई, मैंने आज वो मिस्टेक की है। तो मुझे लगा कि इसके इसने बोला है कि फेस पैक, और मैंने वो ट्यूब थी इतनी बड़ी, मैंने एंड ऑनेस्टली वो बस मैंने मुल्तानी मिट्टी पड़ा और मुझे लगा ये पैक है। एंड यू नो वो इतना पतला था, मैंने मुँह पर लगा लिया, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा और लगाऊँ, वो भी लगा लिया, मेरी आंखों से पानी आने लग गया। मुझे लगा शायद मुल्तानी मिट्टी है, मेरा फेस भी ड्राई था, सुबह से दो बार मेकअप हो गया तो शायद इचिंग कर रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं बेयर कर रही हूँ। वंशिका मुझे कह रही मम्मा आपने क्या लगाया, एंड देन शी मम्मा वो फेस वॉश है। ओ माय गॉड, मैं भागी वॉशरूम में और जो वॉश बेसन था वो पूरा झाग झाग हो गया क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेस वॉश। ओ माय गॉड, बट वंश मेरा मुंह शाइन तो कर रहा है, नोजी देख कितनी चमक रही है, जस्ट पता नहीं वो फेस वॉश था। माय गॉड, तो मींस आज लिटरली मेरे से मतलब मैंने पढ़ा नहीं, दैट इज माय मिस्टेक। तो गॉड भाई कल मैं उसको ट्राई करूँगी। हाँ किसका था वो, नेचुरल वॉश का था, मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। एक्चुअली तो आपको डी टैन फेस पैक लगाना था, बट आपने गलती से वो मुल्तानी मिट्टी। वही ना, मैंने सोचा आई डोंट नो, गॉड नोस, इट्स ओके, शिट हैपेंस, इट्स ओके। तो मुझे लगा थोड़ा सा वो वेस्ट भी होगा ना, मैंने दो बार उसको अप्लाई कर लिया, उसके पांच से छह फेस वॉश हो चुके थे, हो सकते थे जो मैंने एक बारी में मुंह में लगा दिया। एनीवेज गलतियां तो होती रहती हैं, इंसान है। तो बस अब हम अपने नाइट वेयर में आ गए हैं, कोजी कूल से मॉर्निंग के कपड़े रेडी हैं, ब्रेकफास्ट के भी और आफ्टरनून के भी। लाडो ने मेरे लिए केक भी ऑर्डर किया हुआ था, एंड सच अ लवली पीपल द होटल स्टाफ, दे वर काइंड इनफ, दे आर सो स्वीट कि उन्होंने मुझे एक छोटू सा चॉकलेट का गिफ्ट भी मुझे दिया। तो मैंने बॉक्स खोला तो नहीं है, बट उन्होंने मुझे मेरा बर्थडे का एडवांस में गिफ्ट दिया, एंड दैट्स सो स्वीट, दे हैव गिवन मी दैट बर्थडे गिफ्ट, उसमें चॉकलेट्स हैं, दे टोल्ड मी उनकी बेकरी से। सो एंड लवली केक दे हैव गिवन मी, हमने काटा उसको वहीं। मैं इतना वो हो गई थी ना कि मैं उस टाइम व्लॉग ही नहीं कर पाई, मतलब ऑफकोर्स उस टाइम हो भी नहीं सकता था, बट मैं बहुत ओवरवेलम्ड हो गई थी। लाडो इज जस्ट लाइक मी, प्लानिंग में शी इज़ रियली टू गुड, लव यू मेरा लड्डू, टू 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 टू। तो अब हम सब दोनों मी टाइम पे, हमें फ़ोन चाहिए, तो मैंने कहा व्लॉग एंड करती हूँ। तो कल के फन के लिए आपको बनाए रखूँगी न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, विल बी नोटिफाई व्हेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आई नो गैप आ रहा है व्लॉग में, बट कुछ भी एक्साइटमेंट वाला कुछ भी रहता है,
रैट्स आपको हमेशा शामिल करती है। कुछ चीज़ें थी जो हो गई थी तो उन दिनों में मैं व्लॉग नहीं कर पाई, बट यस बैक टू रूटीन जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपको कंटिन्यू तो करना ही है। तो आई एम श्योर व्लॉग्स आते रहेंगे बट अल्टरनेटिव राइट, इतना गैप अब नहीं आएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से प्यार दीजिए रैट्स के व्लॉग्स को एंड ओम साई राम जय गुरु जी, लव यू ऑल, बाय।